ओके, सो लास्ट क्लास में हमने देखा था स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, मतलब काइंड ऑफ, और उस पे हम लोग बात किए थे वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में या डिस्प्लेसमेंट के बारे में. तो वहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट क्या यूज किए थे ओवरऑल स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में, कोई बताएगा ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या था स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का? मेथड्स किए थे ना. हाँ, मतलब ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या था? जैसे मैंने वेलोसिटी इक्वेट कर दिया तो क्यों इक्वेट किया था, या फिर डिस्प्लेसमेंट इक्वेट किया या एक्सेलरेशन इक्वेट किया, क्यों इक्वेट किया? रिलेशन निकालने का. ओके, और कुछ? मतलब हम लोग इक्वेट किए थे, बट कैसे हम लोग इक्वेट कर पा रहे हैं कि दोनों इनका वेलोसिटी सेम होना चाहिए, ऐसा हम लोग कैसे बोल सकते थे? String, total length of a string is constant. Total length of a string is constant. और उस पर हम लोग पूरा अपना जो भी था वो बेस किए थे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में, कि दोनों का वेलोसिटी, एक का वेलोसिटी दिया हुआ है तो दूसरा वेलोसिटी निकाले थे, वो पूरा हम लोग इस पर बेस किए हैं कि लेंथ का स्ट्रिंग जो है वो कॉन्स्टेंट है, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, इस पर हम लोग बेस्ड किए थे. आज का हम लोग टॉपिक रहेगा वेज कंस्ट्रेंट. वेज कंस्ट्रेंट क्या है कि अगर मोर देन वन कॉन्टैक्ट है कहीं पर, टू या मोर देन टू कॉन्टैक्ट है, तो वो उसको हम लोग वेज कंस्ट्रेंट के अंदर लाते हैं. जैसे कंस्ट्रेंट विथ टू और मोर कॉन्टैक्ट सरफेस, टू और मोर कॉन्टैक्ट सरफेस. तो अगर कॉन्टैक्ट सरफेस दो या दो से ज्यादा होगा तो हम लोग उसको वेज कंस्ट्रेंट के अंदर रखेंगे, और थोड़ी देर में हम लोग वेज कंस्ट्रेंट स्टार्ट करेंगे क्या क्या है. थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्टार्टिंग वाला पार्ट, आसान है फिर थोड़ा धीरे धीरे डिफिकल्ट जाएगा. ये कॉन्स्टेंट क्या है? कॉन्स्टेंट मतलब रिलेशन, या फिर काइंड ऑफ की जैसे एक, अगर तुम एक के कारण दूसरे का मूवमेंट, उसको हम लोग कंस्टेंट बोलते हैं. इसे हम लोग एक कंस्टेंट किए ना सर, मतलब प्रेशर. यस, प्रेशर नहीं, मतलब अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये आगे मूव कर रहा था. लास्ट क्लास हमने क्वेश्चन किया था ना. यस सर. तो वी डैश जो है वो वी डबल डैश पे डिपेंड कर रहा था, या फिर वाइस वर्सा. तो एक दूसरे पे जो डिपेंडेंसी होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट. अच्छा, नॉर्मल फोर्स क्या होता है? नॉर्मल फोर्स हमेशा किधर लगता है? हमेशा पुश करता है क्या नॉर्मल फोर्स, या पुल भी करता है कभी? नॉर्मल फोर्स क्या होता है? जैसे मान लो ये ब्लॉक है, तो नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा ब्लॉक पे? परपेंडिकुलर ऊपर नॉर्मल. हाँ, तो ब्लॉक पर अगर मैं नॉर्मल फोर्स का बात करूँ तो ऊपर लग रहा है. यस. और ये पुश कर रहा होगा, राइट? यस सर. ओके, जब एक अटैक नहीं होगा क्या? प्रथम वाला आवाज नहीं आ रहा है. जब वो अटैच नहीं होगा, अच्छा, जब ब्लॉक उस पर अटैच नहीं होगा तो नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा. जैसे मान लो अर्थ पुल करना बंद कर दिया, तो जस्ट सरफेस पे है तो नॉर्मल फोर्स जीरो. अच्छा, मैं कुछ सिचुएशन बना रहा हूँ, उसमें तुम नॉर्मल फोर्स बताओ कितना आ रहा है. कुछ सिचुएशन बता रहा हूँ, जैसे पहला सिचुएशन वन, इसमें नॉर्मल फोर्स कितना होगा? ये रेस्ट पे है, इसमें नॉर्मल फोर्स कितना होगा? mg के बराबर. ठीक है, इस ब्लॉक का fbd बनाओ तो नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, और इस केस में नॉर्मल इक्वल टू mg.
केस सेकंड, मान लो ऐसा है, इसके इस पे ब्लॉक रखा हुआ है और इसको मैं ऊपर एक्सेलरेट कर रहा हूँ ए से, तो इस केस में नॉर्मल फोर्स कितना होगा? मतलब इस सिचुएशन को अगर तुमको एनालाइज करना है तो तुम ऐसा सोच सकते हो कि लिफ्ट में लिफ्ट होता है ना, वो लिफ्ट में एक ब्लॉक रख दिया और लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस केस में नॉर्मल फोर्स क्या आएगा? सर वो ग्राउंड के साथ ऊपर जा रहा है। हाँ ऊपर जा रहा है। इस केस में नॉर्मल फोर्स क्या होगा? सर m टाइम्स g माइनस a। g माइनस a या g प्लस a? माइनस होगा ना सर, g नीचे आता है। फिर से एक बार FBD बनाओ सबसे पहले। ब्लॉक का FBD बनाओ। g माइनस a। सर g माइनस a ही आएगा। कैसे आएगा यार g माइनस a? नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा। हाँ, mg नीचे लग रहा होगा और ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर है या नीचे है? ऊपर है सर। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? सर नॉर्मल इज इक्वल टू mg माइनस ma ना सर। अच्छा ऐसा ऐसा कैसे लिखते हैं? ऐसा नहीं सर, लिखते थे हम लोग। सर कैसे? सर मुझे नहीं समझा, आप एक बार सर। a प्लस g। a प्लस g हम लोग ऐसा लिखते थे ना, नॉर्मल नेट फोर्स हो गया n माइनस mg। हाँ सर। It equals to mass into acceleration or normal equal to m times of g plus a. हम लोग हर बार तो ये करते थे ना, जो two block system था। हाँ सर, नहीं सर वो equation नहीं बना था, वो direct। Okay। Equation बना थी वो बात। ठीक है, देख विजय, जस्ट मैंने ये किया कि मेरा surface है, मान लो lift है, उस lift को मैं a acceleration से accelerate कर रहा हूँ। तो उस केस में जो अपना नॉर्मल होगा वो क्या होगा? तो दैट इज m टाइम्स ऑफ g प्लस a। मैंने FBD बनाया और इक्वेशन लिख दिया नॉर्मली। ठीक है, केस थर्ड, अगर मैं इस लिफ्ट को नीचे एक्सेलरेट करूं सच दैट a इज लेस देन g, तो नॉर्मल क्या होगा? सर ma माइनस mg। सर mg माइनस ma। g माइनस a। हाँ m टाइम्स ऑफ g माइनस a। अगेन FBD बनाओ। दिस इज mg, एक ऊपर n और नीचे क्यों एक्सेलरेट कर रहा है? तो बस इक्वेशन क्या बनेगा? m इसका मतलब क्या है? mg बड़ा है, तो mg माइनस n इक्वल टू ma और n इक्वल टू m टाइम्स ऑफ g माइनस a। राइट right? याद है किसी को दिक्कत? अच्छा सब लोग के पास कुछ एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है क्या? मतलब कुछ छोटा सा पास में ऑब्जेक्ट है क्या? कोई भी पेन, हाँ पेन है ना, पेन को अपने हाथ पे रखो, राइट हैंड पे अपना हाथ पेन रखो। अब राइट हैंड को अचानक से बहुत तेजी से नीचे लेके जाओ, अचानक से बहुत तेजी से। अभी तक लिखा वो लिख रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। ओके सर, डन सर। अब थोड़ी देर के लिए पेन हवा में रख कर थोड़ी देर की। हाँ ठीक है, थोड़ी देर के लिए पेन हवा में आया सबका, अगर बहुत तेजी से हाथ नीचे ले गया तो। यस सर। ओके अब धीरे धीरे लेके जाओ, जाओ देखो क्या हो रहा है। सर हाथ में रह रहा है। हाथ में रह रहा है? यस। ओके अब देखो सिचुएशन क्या है। ओके तो यहाँ पर सिचुएशन ये नोट हो गया। यस सर। ओके हाँ श्रीशान, हेलो सर। हाँ
सर आप बोल रहे थे कि दिवाली के बाद वो बैकअप क्लासेस होंगी, सर वो कब होंगी? ठीक है वो हो जाएंगे यार अभी, तुम एक बार मुझे कल मैसेज करना या फिर आज क्लास के बाद बस एक बार। ओके ठीक है ठीक है। फोर्थ, अब अगर यही केस ऐसा रहता कि ये सरफेस है ये ब्लॉक है, अभी जैसे हम लोग जो एक्सपेरिमेंट किया है तो ये सरफेस को, मतलब बाकी तीनों केसेस में भी तुम उस सरफेस को अपना हाथ एज्यूम कर सकते हो, इस केस में अगर मैं एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी कर दिया, मतलब जब मैं हाथ काफी तेजी से ले गया तो ग्रेटर देन जी एक्सेलरेशन वाला, तो क्या हुआ यहाँ पे? ऑब्जेक्ट हवा में आ गया था, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट इन दिस सिचुएशन कॉन्टेक्ट लूज हो रहा है, कॉन्टेक्ट लूज हो रहा है राइट, और कॉन्टेक्ट लूज हुआ इसका मतलब क्या है, नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा इस केस में? जीरो जीरो जीरो। अच्छा एक साथ साथ एक ये भी लिख लो, वेइंग मैसी वेइंग बैलेंस, वेइंग बैलेंस क्या करता है पता है? जैसे हम लोग स्प्रिंग बैलेंस का बात किए थे ना एक दिन, स्प्रिंग बैलेंस क्या करता था? स्प्रिंग बैलेंस क्या बताता है मुझे? वेट नहीं, टेंशन, टेंशन इन दैट स्ट्रिंग, एग्जैक्टली। हमने एक डिस्कस किया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन किए थे इस टाइप का, याद करो, ये स्प्रिंग बैलेंस डाला था, ऐसे मास लटका दिया था, याद आया? जस्ट दिवाली ब्रेक से पहले, हिंज या ऐसा कुछ। वो स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, यहाँ से यहाँ ये पूरे धागा में टेंशन सेम होता है, ये पूरे ब्लैक धागा में स्प्रिंग बैलेंस मुझे ये टेंशन का वैल्यू बताता है। ऐसे नोट करके लिखी लो, एक वेइंग बैलेंस, उसके नीचे स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस गिव्स द रीडिंग ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, गिव्स द रीडिंग ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, उस धागा में कितना टेंशन है ये बताएगा। और वेइंग बैलेंस जो होता है इट गिव्स द नॉर्मल नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, एक्टिंग ऑन इट, ये नॉर्मल फोर्स बताता है वेइंग बैलेंस। Done? ठीक है सर, gives the क्या है आगे? It gives the normal force acting on it. नहीं सर, नीचे वाला string. सर, it gives the reading of the tension. या फिर it gives the value of tension in the string. Value या reading of tension. या value of tension लिखो ज़्यादा बेटर है. Tension कितना है वो बता रहा है basically. हो गया सर, हो गया। अब देखो वेइंग बैलेंस क्या कर रहा है, इट गिव्स द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो जैसे मान लो अपना जो सिचुएशन वन है, मान लो मैं 60 केजी का हूँ, तो मेरा अगर मैं यहाँ पे वेइंग बैलेंस रख दिया तो वेइंग बैलेंस कितना रीड करेगा? 60 केजी या फिर 600 न्यूटन? यस सर। क्या? 600 न्यूटन। 600 न्यूटन वेइंग बैलेंस जो है अपना नॉर्मल मेजर करता है। सेकंड वाले केस में क्या मेजर करेगा मेरा, अगर मैं 2 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट कर रहा हूं तो? 60 केजी वेट था कि मास? 60 केजी मास था, 60 केजी मास था सर। एक्सेलरेशन कितना है?
एक्सेलरेशन अगर 2 होता तो विंग बैलेंस कितना मेजर करता? चलो मैं तुम्हें केसेस के थ्रू ही बताया तो 720 न्यूटन। हां केस 1, अगर ऐसा विंग बैलेंस है, ये विंग मशीन, इस पे मैं खड़ा हूं 60 केजी का, तो ये विंग बैलेंस कितना रीडिंग शो करेगा? 600 न्यूटन। अच्छा अब तुम लोग देखे होगे कि जो विंग मशीन है वो 600 न्यूटन नहीं बताता है, वो क्या करता है 60 केजी दिखाता है, आया ना? यस सर। तो बताओ ये 600 को 60 केजी कैसे दिखाया वो? इसको हम लोग कैलिब्रेट कर सकते हैं ना, कि जितना रीडिंग आया उसको डिवाइड बाय 10 करके आप दे दो आंसर, तो वो कैलिब्रेशन होता है। फाइन? यस सर। यस। केस 2, अगर मैं इस पे खड़ा हूँ वेइंग बैलेंस पे और वेइंग मशीन ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, क्या सर सारे में होता है क्या वेइंग बैलेंस का, मतलब 10 वाला कैलिब्रेशन? मोस्ट ऑफ देम में, जैसे अगर तुमसे पूछेगा तो तुम कन्वर्ट कर देते हो। हाँ वो कन्वर्ट कर देता है, वो अपने आप ऑटोमेटिक मशीन के अंदर कन्वर्शन हो जाता है। जैसे तुम्हारा अभी जो कॉमन चला हुआ है वो ऐसा है ना, मशीन इस टाइप का होता है और नीडल लगा होता है, राइट? यस सर। तो एक्चुअली यहाँ पर स्प्रिंग ये सब होता है। अब ये रीडिंग जो है जो लेट्स से 600 पे आता, ये वाला डिफ्लेक्शन, तो हमने क्या किया, वो 600 को हटा के 60 लिख दिया। तो अगर 60 केजी का आदमी खड़ा होगा तो वो 60 दिखाएगा, ठीक है? इस वाले केस में कितना रीडिंग दिखाएगा? 720। यस सर। एमजी प्लस है 720 न्यूटन। अगर मैं नीचे जा रहा हूँ, 2 से तो 480 रीडिंग विल बी 60 इंटू 10 माइनस 2, 8 is 48, 480 न्यूटन। समझ में आ रहा है ना, बेसिकली नॉर्मल बता रहा है, हर केस में हम लोग नॉर्मल फाइंड कर रहे हैं, एफबीडी बनाओ नॉर्मल निकालो। केस 4, अगर ये लिफ्ट ये जो भी है उसमें ये 2 meter per second से ऊपर जा रहा है, 2 meter per second वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन 0 है, तो कितना रीडिंग शो करेगा? FBD बना के देखो क्या आ रहा है नॉर्मल का वैल्यू। आया किसी का? कुछ भी रैंडम आंसर बताओ, जो भी आ रहा है मन में। 600 न्यूटन। सही है 600 न्यूटन। वेलोसिटी से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग एफबीडी बनाएंगे तो उसमें हम लोग फोर्स दिखा रहे हैं, एक्सेलरेशन दिखा रहे हैं, वेलोसिटी तो दिखाई नहीं रहे हैं। तो नॉर्मल विल बी इक्वल टू एमजी और रीडिंग हम लोग का 600 न्यूटन बताएगा। अब ये 2 meter per second से जाए या 20 meter per second से किसी भी स्पीड से जाए, ऊपर नीचे जब तक अटैच है
तब तक रीडिंग 600 ही रहेगा। सर इसमें 60 केजी नहीं दिखाएगा? हाँ मतलब अगर हम लोग कैलिब्रेट किए रहेंगे प्रथमेश तो वो 60 केजी दिखाएगा, नहीं तो अगर कैलिब्रेट नहीं किए होंगे तो 600 न्यूटन दिखाएगा। सर मतलब वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं है ना कि वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है, वो एक्सेलरेशन का फंक्शन है बस। और सर एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी का फंक्शन है ना, अगर एक्सेलरेशन नहीं दिया होगा तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। नहीं अगर तुम्हारा नेट फोर्स जीरो है, जैसे मान लो तुम्हारे पास नेट फोर्स जीरो है, कोई कार चल रहा है बस, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये क्या कंटिन्यू करेगा मोशन या नहीं करेगा? सर कंटिन्यू करेगा। देखो वेलोसिटी है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, तो जरूरी नहीं है ना कि वेलोसिटी हो तो एक्सेलरेशन भी हो ही। ओके सर। ओके तो ये हम लोग का हो गया वेइंग बैलेंस, और स्प्रिंग बैलेंस वाला तुम लोग कर लोगे। स्प्रिंग बैलेंस इज जस्ट टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब ऐसा मत बोलना कि इधर टेंशन और इधर टेंशन अलग अलग होगा, नहीं दोनों टेंशन सेम होगा, वो टेंशन बता देगा स्प्रिंग बैलेंस। ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेना, तुम्हारे नोट्स में होगा। सर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ बताओ। सर अगर आपने बोला अभी ये वेइंग बैलेंस है, तो सर हम वेइंग बैलेंस पे खड़े रहे और लिफ्ट में है, लिफ्ट में है और या फिर एक बॉक्स में, और एक स्ट्रिंग जो है वो बॉक्स को जॉइन है और एक स्ट्रिंग हमने हमारे हाथ में पकड़ी है और हम उससे इक्वल वेट कर रहे हैं, मतलब वो बॉक्स और हमने जो हाथ में स्ट्रिंग पकड़ी है सर, वो दोनों मतलब हम ऐसी पकड़ी है उस पे इतना फोर्स लगा रहे हैं सर कि वो नीचे मतलब जाएगा नहीं, उस टाइप में। हाँ हाँ ठीक है ठीक है सर। मतलब अच्छे वर्मा का क्वेश्चन। हाँ हाँ अच्छे वर्मा का क्वेश्चन है। ओके ये पुली कैसा सिस्टम था सर? ये वेइंग वेट आ गया 15 केजी पर आगे का नहीं आ रहा है वो। एक मिनट अच्छी वर्मा का है ना ये पुली? कहाँ पर बनाया गया था पुली? इस पुली ऐसा था सर, ऐसा था क्या? नहीं सर इसके अंदर नहीं था सर, वो बाहर था, और सर वो जो बॉक्स है उसको एक टच था और एक आदमी के हाथ में एक था और वो आदमी उस पे फोर्स लगा रहा था, ऐसे कुछ था। अच्छा अच्छा ओके ओके सिद्धार्थ जस्ट अ मिनट, ये ऐसा था, ये ऐसा था? हाँ सर। अच्छा ठीक है, और बता रहा है कि स्प्रिंग बैलेंस क्या कर रहा है? मेक बैलेंस जो है एक्चुअल वेट बता रहा है। हाँ सर उसका वेट भी बताया था, वेट से नहीं कुछ तो बताया था और इंफॉर्मेशन थी मतलब, पर वो एक मिनट सर मैं देखता हूँ। ओके सर उसमें बताया था उसका मास 60 केजी है और सर वो वेइंग मशीन केप्ट इन अ बॉक्स ऑफ मास 30 केजी, वो वेइंग मशीन का मास 30 केजी ऐसा दिया है। ठीक है। बॉक्स द बॉक्स इज हैंगिंग फ्रॉम अ पुली फिक्स्ड टू द सीलिंग थ्रू अ लाइट रोप द अदर एंड ऑफ व्हिच इज हेल्ड बाय द मैन हिमसेल्फ। अच्छा हाँ ठीक है। इफ द मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन और व्हाई और व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन। ठीक है चलो एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है, इफ द मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, मतलब ब्लॉक का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो दोनों का एफबीडी बनाओ। आदमी पे क्या-क्या फोर्स लग रहा होगा और बॉक्स पे क्या क्या, आदमी पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? टेंशन और नॉर्मल किधर? ऊपर? यस सर ऊपर। और कोई फोर्स? नो सर। अच्छा और ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? टेंशन कहाँ पे? ये वाले कॉन्टेक्ट के कारण, ब्लू डॉट के कारण। और नॉर्मल किस डायरेक्शन में, अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। ये एन डैश लिखे या एन लिख दे? एन। ठीक है। और कोई फोर्स? नो सर।
सर लेकिन वो वैन के और ब्लॉक के बीच में वेइंग मशीन भी था। ठीक है, तो वेइंग बैलेंस का, वेइंग मशीन का मास नेग्लिजिबल मानो, तो आदमी आदमी जो होगा, ये वेइंग मशीन है और ये लिफ्ट है, तो आदमी इस पर नॉर्मल लगा रहा होगा, ये इस पर नॉर्मल लगा रहा होगा, राइट? ये दोनों इक्वल होगा, फिर ये नीचे नॉर्मल लगा रहा होगा, ये ऊपर नॉर्मल लगा रहा होगा, तो वो दोनों बराबर होगा ओके सर। और ओवरऑल इफेक्टिव वो बन जाएगा। ठीक है, को एन डैश में लेना होगा ग्रीन। सोचो एक बार सर, वो नीचे 30 kg भी लगेगा ना? हाँ, 30 kg, 300। हाँ, वो नॉर्मल एन डैश होगा या एन ही रहेगा? एन डैश एन का वैल्यू सेम आएगा या अलग अलग आएगा? अलग 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 आएगा। एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या एन, दोनों नॉर्मल? प्रथम देखो, थोड़ी देर के लिए स्विंग बैलेंस को भूल जाओ। लेट्स से ये आदमी यहाँ खड़ा है, नॉर्मल, तो आदमी पे नॉर्मल ऊपर, आदमी वेइंग बैलेंस पे नीचे, तो ये दोनों नॉर्मल इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा होगा सर। ना, तो वही दोनों तो नॉर्मल है वहां पे। और अगर तुमको इसमें देखना है, तो अगर तुमको वहां पे कंफ्यूजन हो रहा है, अगर तुमको तीनों वेइंग बैलेंस के साथ देखना है, तो ये देखो, ये आदमी, ये वेइंग बैलेंस, ये आदमी इस पर नॉर्मल एन लगा रहा है, तो वेइंग बैलेंस भी नॉर्मल एन एन डैश लगाएगा, मतलब सेम लगाएगा एन, राइट? और फिर क्योंकि इस पूरे को अगर तुम सिस्टम लो, ठीक है, इस पूरे को अगर सिस्टम लो, तो ये इस पे नीचे लिफ्ट वाले सरफेस पे नॉर्मल लगाएगा और लिफ्ट इस पर नॉर्मल लगाएगा, ये सारे बराबर होंगे क्योंकि वेइंग बैलेंस का हम लोग मास नेग्लिजिबल मान रहे हैं। ठीक है, ओके अच्छा, अब क्या किया जाए? अब मुझे बताना है, इफ द मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, व्हाट इज द वेट सोन बाय द मशीन। मतलब मेरे से क्या पूछ रहा है ये, वेट सोन बाय द मशीन पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है बेसिकली? नॉर्मल नॉर्मल का वैल्यू पूछ रहा है। हाँ सर। अच्छा, ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, तो इक्वेशन बता दो क्या क्या लिख सकते हैं इस बता मैन दो पे, दो क्या इक्वेशन लिखेंगे? हाँ प्रथमेश, T इज इक्वल टू 600 माइनस सर एन। ठीक है, T प्लस एन इक्वल टू 600, और बॉक्स पे क्या लिखा है? एन प्लस 300 इक्वल टू टी। एन प्लस 300 इक्वल टू टी। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं, एन इसको ऐसा लिख देते हैं, टी माइनस 300। नहीं, ऐसा लिख देते हैं ना, एन इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसा भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टी को 300 प्लस एन पुट कर दो ऊपर वाले में, तो 300 प्लस 2n इक्वल टू 600। यस सर। और एन कितना आ गया? 150। क्या दिया? 150। ठीक है, तो नॉर्मल आ गया 150 kN, और मास कितना बताएगा? 15 kg। 15 kg। ओके सर, अब दूसरा वाला एक बार देख लो बस। हाँ, दूसरा क्वेश्चन पूछा है, सॉल्व नहीं हुआ। हाँ सर, ओके, दूसरा वाला ही सॉल्व नहीं हुआ, ये तो ठीक है, ठीक है, आ रहे हैं प्रथम, आ रहे आ रहे। तो उसी उसी का दूसरा पार्ट है, व्हाट फोर्स शुड ही एग्जर्ट ऑन द रोप। तो इसका एक इसका बात कर रहा है, व्हाट फोर्स शुड ही एग्जर्ट ऑन द रोप, इसका क्या मतलब है? टेंशन। टेंशन टू गेट हिज करेक्ट वेट। अच्छा, करेक्ट वेट बता रहा है, मतलब नॉर्मल कितना है? 60। नॉर्मल 60 नहीं, 600 न्यूटन। तो सेकेंड केस में आदमी का FBD बनाओ, तो आदमी पे टेंशन ऊपर, ऊपर 600, और ये लिफ्ट है, लिफ्ट के FBD में क्या क्या है? टेंशन नॉर्मल 300, टेंशन ऊपर, नॉर्मल नीचे, और ये 300। नहीं नहीं प्रथम, आ रहे, एक मिनट रुक जाओ। और इस पर एक नीचे की ओर कितना लग रहा था? 60 600 kg, 600। अब देखो, मैन को देख के क्या लग रहा है?
मैन का एफ बी डी देखे क्या लग रहा है? मैन ऊपर की तरफ, सर वो नॉर्मल और एम जी कट जाएगा, नॉर्मल और एम जी कट जाएगा। नहीं हो सकता है ना कि अगर टेंशन टेंशन जीरो हो जाए, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि आदमी ऊपर की ओर मूव करना, ऊपर की ओर एक्सलेट करने लगे, ये भी तो सिचुएशन हो सकता है ना कि अगर ज्यादा जोर से तुम खींचोगे तो हो सकता है कि तुम ऊपर चले जाओ। ओके सर, हो सकता है कि नहीं? यस सर। थोड़ी सी आवाज कर दी आपने दोबारा, क्या दक्ष फिर से रिपीट करना। सर मैं प्रथम बोल रहा हूँ। हाँ प्रथम, क्या बोल रहे हो? सर आवाज कर दी सर, आपने बढ़िया दोबारा। हाँ हाँ, देखो मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि कितना टेंशन कितना फोर्स लगा है सो दैट उसका जो है करेक्ट वेट आए, मशीन जो है वो करेक्ट वेट बताए। तो करेक्ट वेट बताए मतलब नॉर्मल कितना है? नॉर्मल 600 हो गया, तो नॉर्मल को मैंने 600 दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब नॉर्मल को जब 600 दिया तो आदमी का एफबीडी देखो, आदमी पे नीचे 600 ऊपर 600 और एक टेंशन आ रहा है, तो आदमी और उधर उधर देखो तो इस वाले से तुम बोल दोगे कि टेंशन जीरो, लेकिन फिर वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट? अलग अलग आ रहा है। हाँ, इसका मतलब क्या है कि आदमी ऊपर की ओर एक्सेलेरेट करेगा, ठीक है। तो लेट से ये आदमी ऊपर की ओर एक्सेलेरेट कर रहा है, मतलब लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलेरेट कर रहा है, तो हम लोग इस पे इक्वेशन लिख सकते हैं टी इक्वल टू 60 है, राइट? यस सर। समझ नहीं आया सर, वो आदमी ऊपर एक्सेलेरेट करेगा ना, क्योंकि दूसरी स्ट्रिंग तो इस पे लिफ्ट पे सर। हाँ, तो अगर अगर आदमी ऊपर आया, आदमी ऊपर आया तो सरफेस के साथ साथ ऊपर आया ना, तो वहां पर तो कांटेक्ट नहीं लूज कर रहा है प्रथमेश। ओके सर, तो अगर वहां पर कांटेक्ट दूसरे स्ट्रिंग पे जो लिफ्ट अटैच है उसका मतलब किसे होगा? नहीं नहीं, वो प्रथमेश नॉर्मल सोचो कि अगर तुमको ये रस्सी है, तुमको इस पर ऊपर चढ़ना है तो क्या करोगे? रस्सी को नीचे खींचोगे? हाँ सर। तो तुम थोड़ा ऊपर पहुंच जाओगे, तो जो एक्स्ट्रा रस्सी है, थोड़ी देर बाद का सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा ना कि ये लिफ्ट यहाँ पहुंच जाएगा, कुछ ऐसा थोड़ी देर बाद का सिचुएशन, राइट? तो जितना एक्सेलेरेशन मैन का होगा उतना ही एक्सेलेरेशन लिफ्ट का होगा क्या? दोनों सेम डिस्टेंस ऊपर जाएगा हर इंस्टेंट पे? यस सर। तो दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा? हाँ सर। ठीक है, तो मैंने आदमी पे लिख दिया टी इक्वल टू 60 दक्ष, ठीक है यहाँ तक? यस सर। और ब्लॉक पे क्या इक्वेशन लिखाएगा? 600 प्लस 300 टी माइनस 900 इक्वल टू टी माइनस 900 इक्वल टू ओके सर आ जाएगा इक्वल टू 30 है, 30 है ना उसका मास? यस सर। ठीक है, अब हो जाएगा? हाँ सर, अब हो जाएगा। ओके हाँ, हाँ प्रथम, प्रथम तुम टेक्स्ट कर दो यार, तुम्हारा बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा। सर नहीं हुआ तो डाउट लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, कल ही हो जाएगा। हाँ सर, पर हो जाएगा। ओके, अब देखो, अब तुम लोग ऐसा क्वेश्चन तुम लोग अब वापस पिछली स्लाइड दिखा दो एक बार। ओके सर, हो गया। हाँ, तुम लोग अभी तक ऐसा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होगे, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन तुम लोग के पास आया होगा कि मैं इसको F4 से खींच रहा हूँ, इसका मास है M1, M2, M3, बताना है एक्सेलेरेशन क्या होगा सिस्टम का। आ,
के का वैल्यू हाँ प्रथम वो मैंने ऐसे डिटरमाइन किया आदमी का एफबीडी देखो आदमी पे ऊपर 600 नीचे 600 और एक ऊपर फोर्स टी लग रहा है एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा फोर्स ऊपर क्यों रहता है एक्सेलरेशन ऊपर होगा ओके प्रथम ओके सर मतलब अगर एक्स्ट्रा फोर्स कहीं जिस तरफ जा रहा हो उस तरफ एक्सेलरेशन है हाँ तो जिधर फोर्स एक्स्ट्रा होता है उधर ही तो एक्सेलरेशन होता है ओके सर इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा T1, T2 and A तीनों फाइंड करना सर M3 और M2 पे वापस भी तो लगे है ना टेंशन हाँ तो T1, T2 मैंने लिखा है सर उसका रिवर्स भी तो होगा ठीक है तुम अलग अलग FBD बनाओ ना मैं बस ऐसे ही T1, T2 लिखने के लिए बस एरो डाल दिया था ऐसा कुछ नहीं है जैसे M1 का FBD में टेंशन आगे लगेगा तीनों का FBD मतलब जैसे भी सॉल्व करना है करो T1 M2 पे किधर होगा क्या क्या फोर्स लग रहा होगा T1 अपोजिट साइड में और एक T1 T2 और M3 पे सर T2 और F इधर T2 पीछे तीनों पे इक्वेशन लिखो और ए का वैल्यू फाइंड करो सर सरफेस नहीं है क्या हाँ मतलब नीचे वाला जो है वो सरफेस है ना ये इस सरफेस पे रखा हुआ है ग्राउंड पे रखा हुआ है सर एक्सीलरेशन ना फाइंड करना है हाँ सर एक्सीलरेशन आया F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 सही है एक और किसी का ये आंसर आया सही है सर्वेश सही है T1 T2 T1 निकाल लो अब अगर एक्सीलरेशन मिल गया तो आसानी से निकल जाएगा सर T1 में बस M1 ऐड हो जाएगा F into M1 ठीक है और T2
सर ट्यूब में नहीं किया, एक सेकंड सर टी टू में एफ डिवाइडेड बाय एम वन प्लस F into M2 divided by M1 plus M2 क्या लिखा है? सॉरी मेरे एक बार सिग्नल चला गया था। क्या लिख दक्ष? ये आपने T1 क्या लिखा सर? मेरे को समझ नहीं आया। T1 is M1 F T1 निकालना था, सॉल्व करना था T1 का वैल्यू। हाँ जी सर, वो एक बार समझा सकते हो सर? हाँ मैं अभी आ रहा हूँ उस पे। T1 लिखा हुआ है M1 F upon M1 plus M2। आप इतनेस। T2 की वैल्यू है M2F divided by M1 plus M2 plus M3 plus M1F divided by M1 plus M2 plus M3 बराबर है। ओके पता नहीं, मुझे याद नहीं है। T2 ठीक है, सबका आया क्या सर? T1 में ही प्लस करके M2F divided by M1 plus M2 plus M3। ठीक है ऐसे T2 की वैल्यू है। ओके प्रणव, तुम्हारा भी सेम आया, T2 आया तुम लोग का M1 plus M2 into F upon M1 plus M2 plus M3। ये है ना तुम लोग का? ये सही है। हाँ सर। ओके तुम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बट ये क्वेश्चन कितने लोगों ने सॉल्व किया प्रॉपर? ऐसे पहला इक्वेशन लिखा T1 इक्वल टू M1 है, पहला इस वाले पे इक्वेशन लिखा होगा T1 इक्वल टू M1 है। T1 इक्वल टू M1 है, ओके एक मिनट, ये पहला इक्वेशन है लिखा। फिर दूसरा लिखा T2 माइनस T1 इक्वल टू M2 है सेकेंड वाले ब्लॉक पे। फिर तीसरा लिखा होगा F माइनस T3 इक्वल टू M3 है, और फिर तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया होगा। यही काम किया क्या सर? T3 नहीं आएगा ना सर, T2 आएगा ना। हाँ वहाँ T2 आएगा, सॉरी। हाँ तो तुमने सेम काम किया। ओके प्रणव ने सेम काम किया, और किसी ने कुछ अलग किया? दिग्विजय भी सेम काम किया। और कुछ कर सकते थे क्या? मतलब ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे सॉल्व करना तो ठीक है, और कुछ कर सकते थे क्या आप? प्रणव सोचो, पेन नीचे रखो और सोचो, बिना कुछ किए इसको सॉल्व कर सकते थे क्या? पेन का जरूरत नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एक्सलेशन निकालने के लिए। एक्सलेशन तो निकल गई। फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। आपने जो कल बताया था ना कि आपने बताया था ना, वो ऊपर करके दो ब्लॉक को ऊपर करना है और फिर नीचे सबका मास प्लस करना है और फोर्स करना है। एग्जैक्टली अगर हम लोग, हाँ अगर हम लोग इन तीनों ब्लॉक को एक साथ सिस्टम मान ले, क्योंकि तीनों साथ में मूव कर रहा है, तो मैं तीनों कंबाइंड मान लू, तो देखो एक्सेलरेशन क्या होगा, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। डायरेक्ट निकल गया, समझ आ गया तो ठीक है। अब तुमको बताना है T1 और T2, T1 और T2। तो M1 का FBD बना है T1, ये M1, तो T1 इक्वल टू M1 A, तो T1 इक्वल टू M1 A, T1 आ गया डायरेक्टली। T2 कैसे निकाले? T2 के लिए भी तुमने सॉल्व किया होगा, मेहनत किया होगा काफी। M1 plus T1, M1 plus T1। नहीं 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 ऐसा नहीं, और कुछ वो भी तरीका सही है प्रथमेश, बट टाइम लगेगा। टू माइनस वो टी टू माइनस टी वन। नहीं नहीं वो तरीका सही है, बट टाइम लगेगा। और कोई तरीका मैं पूछ रहा हूँ, मतलब बिना पेन पेपर के जो सॉल्व हो जाए। हाँ
एम टू का होगा जो उसमें से एम वन का माइनस कर दे सर, वो एम वन प्लस एम टू डिवाइडेड है। ऐसा कर सकते हो क्या, M1 और M2 का सिस्टम मान लो। हाँ सर। तो देखो M1 प्लस M2 का मास हो गया और ये A से मूव कर रहा है और इस पर टेंशन है T2। यस प्रणव सही है। तो T2 हो जाएगा M1 प्लस M2 into A। देखो डायरेक्ट आंसर आ गया तीनों। सर पर अगर उसको सिस्टम मानते हैं तो फिर सर वो M1 plus M2 तो नीचे आना चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, M1 plus M2 नहीं ना। अब यहाँ पर देखो तुम इक्वेशन क्या लिखोगे, T2 is equals to M2 plus M1 into A लिखोगे ना। हाँ सर। अब A का वैल्यू तो तुमको पता है। ओके सर, वो सब्स्टिट्यूट कर दो। हाँ सर। ओके प्रथम 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 टेक्स्ट टेक्स्ट कर दो। नहीं, एम जी तो नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा ना। एम जी से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। हम लोग किसी एक डायरेक्शन का बात कर रहे होंगे, आइदर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ओके, अब दो सेम चीज अगर तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन ये एक ब्लॉक है, इसका मास है कैपिटल एम, इसमें एक थ्रेड लगा हुआ है, ये मोटा सा थ्रेड है, इसका लेंथ है एल और इस पर हम लोग एफ फोर्स लगा रहे हैं, इसका मास है एम, तो बताना एक्सेलरेशन क्या होगा। ये जो थ्रेड है उसका वेट तो नहीं है ना कुछ। एक मिनट, एम वन प्लस एम, एक वो क्वेश्चन पे आ रहे हैं। हाँ प्रथम, एम टू प्लस एम थ्री होना चाहिए ना, एम वन प्लस एम टू क्यों, मैंने इधर और इधर कुछ चेंज किया है क्या। नहीं, एम वन एम टू सही तो है। नहीं प्रथम, ठीक है, M1 plus M2 होना चाहिए। यहाँ पर देखो मैंने इसको सिस्टम माना है। सर मैं पूछ रहा हूँ, T2 तो M3 पे लग रहा है ना, M1 पे तो T1 है। नहीं नहीं, M3 T2 जो है वो M2 पर आगे लग रहा है और M3 पे पीछे लग रहा है। यस सर। हाँ, तो मैं बस इतने दूर का FBD बना, मतलब बस इतने दूर को सिस्टम माना हूँ, ये वाले पार्ट को। तो मैं M3 का FBD बना ही नहीं, मैं M1 plus M2 को साथ में मान लिया, उसको सिस्टम मान लिया, क्योंकि वो दोनों सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। तो फिर देखो उस M1 plus M2 पे क्या क्या फोर्स लग रहा है। तो ये T1 T1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा एक दोनों, और एक आगे T2 लग रहा होगा। समझ गया सर, वो T2 पे दोनों पे कंबाइन कर रहे थे। हाँ हाँ, ओके। अब यहाँ पर ये जो रॉड है ना, उसका मास है स्मॉल m, रोप जैसा मान लो, रोप में भी मास है स्मॉल m और लेंथ है l। तुमको बताना है पहला फाइंड एक्सेलरेशन, सेकंड लेट्स से ये पॉइंट है p सच दैट ये डिस्टेंस है l बाई टू, टेंशन एट पॉइंट p, टेंशन एट पॉइंट पे। पर वो जो थ्रेड है उसका कुछ वेट तो नहीं है ना, जो अपने पीछे ट्यूब बनाई है। हाँ, वो लिखा ना स्मॉल m, उसका मास स्मॉल m। पर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे निकाल सकते हैं, मतलब उस पे तो सेम ही रहेगा ना टेंशन। सोचो। नहीं नहीं, पूरे रॉड पे टेंशन सेम नहीं रहेगा, वो तब रहता था प्रथमेश जब मासलेस स्ट्रिंग था। ओके सर, अभी मास है थ्रेड में। ठीक है, देवल एक्सप्रेशन वहां पर टेंशन में निकाल लो। ठीक है, प्रथम एक्सप्रेशन सही है।
सही है प्रणव। ठीक है दक्ष, एम ए अपॉन एम प्लस एम, नहीं देवल टेंशन नहीं है वो। निशी ठीक है, एक्सलेशन सबका सही आ रहा है, एक्सलेशन आ गया होगा एफ अपॉन एम प्लस एम। सर एल बाय टू में मास बीस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा? हाँ मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्म रॉड है वो। टेंशन नहीं, टेंशन अभी तक नहीं आया है। एक सेकेंड। हाँ हाँ टेंशन एम ए बाई टू बाई टू। ऐसा कुछ आएगा शायद, मैं सॉरी मैं सिर्फ वो हाफ का ही निकाल रहा था, एम ब्लॉक से वहां तक पी तक निकालना था। ओके टू एम प्लस एम पॉन एम प्लस एम, नहीं 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 हाँ एक मिनट, कोई जिसका आंसर आया है हाँ आर्या अनम्यूट कर सकते हो क्या? आर्या प्रणव श्रेयस इतने दूर को मैंने सिस्टम मान लिया ठीक है, तो उसका मास हो गया एम प्लस एम बाई टू, और क्या किया एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ तो यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा तो इनटू एक्सलेशन कर दो, तो टेंशन हो जाएगा एम प्लस एम बाई टू इनटू एक्सलेशन इज एफ बाई एम प्लस एम, ये आंसर हो गया। टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन, खत्म। सिंपल सा था, कोई दिक्कत? ठीक है, अब यही चीज जैसे हम लोग यहाँ पर क्या किए ये वाले क्वेश्चन में, टेंशन था, एक धागा को पुल कर रहे हैं उससे एक ब्लॉक खींचा रहा है, वो ब्लॉक के कारण दूसरा धागा खींच रहा है और फिर वो M2 को खींच रहा है एंड सो ऑन, फिर M1 पे आ रहा है फोर्स, ऐसा कुछ सीरीज चल रहा है ना। वैसा ही चीज अगर हम लोग ऐसा सिचुएशन देखें, मान लो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के आगे दूसरा ब्लॉक रखे, उसके आगे तीसरा ब्लॉक रखे M1, M2, M3, इस पर फोर्स लगाया तो क्या होगा? सिचुएशन पहले बताने क्या होगा सर, तो फिर वो आगे जाएंगे, तीनों आगे जाएंगे। हाँ सर, सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे या अलग अलग एक्सेलरेशन से जाएंगे? सर सेम एक्सेलरेशन से। सब लोग को फील आ रहा है सेम एक्सेलरेशन जाएंगे? यस सर। एम अच्छा ऐसा हो सकता है क्या कि M1 का एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाए M2 से, ऐसा पॉसिबल है रियल लाइफ सिचुएशन में? सर फ्रिक्शन वगैरह
नहीं नहीं फ्रिक्शन है सब नहीं ऐसा फ्रिक्शन रहेगा तभी भी नहीं हो सकता है पृथ्वी पे वैसे नॉर्मल से जो ना अगर m1 का एक्सेलरेशन लेट्स से m1 का एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाए तो क्या होगा सर तो फिर m2 का भी बढ़ेगा और m3 का भी बढ़ेगा अच्छा नहीं मान लो m2 का कम है m1 का ज्यादा है अगर मान लो ऐसा आया तो ये पॉसिबल है नहीं पॉसिबल नहीं है अच्छा m1 का कम हो जाए m2 से ये पॉसिबल है नहीं सर ये भी पॉसिबल नहीं है तो तीनों का तीनों साथ में जाएगा तो अगर हम लोग FBD बनाए तो क्या क्या फोर्स लगेगा M1 पे क्या क्या फोर्स आएगा सर S बस हॉरिजॉन्टल में बात कर रहे हैं FBD इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सर F आएगा और M2 का वो नॉर्मल लगेगा एक F आएगा नॉर्मल किस डायरेक्शन में लेफ्ट राइट सर लेफ्ट में अच्छा M2 का अगर बनाया तो सर उसका नॉर्मल आएगा सर उसको मैं बोलूं हां प्रतिभा हां प्रदक्ष बताओ सर इसको इस साइड से N1 आएगा आई गेस हां और उस साइड से N2 आएगा ठीक है और M3 का सर इस साइड से N3 आएगा सर हां सर उस साइड का नहीं आएगा उस साइड कोई आईडी नहीं अच्छा ठीक है उस साइड को कोई फोर्स ही नहीं है बस हो गया इतना ही है और इसके अपार्ट M1G नीचे की तरफ और अर्थ नॉर्मल लगाना होगा तो ये सब को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं हाँ तो अगर मान लो मुझे इसका एक्सेलरेशन बताना है तो कैसे बताएंगे इस सिस्टम का एक्सेलरेशन बताना है तो कैसे बताएंगे सर M1 प्लस M2 प्लस M3 सेम काम कर देंगे सिस्टम मान लेंगे F upon M1 plus M2 plus M3 राइट यस सर अच्छा एक मिनट इसको मैं N2 N2 बोल देता हूँ ना दोनों को N2 N2 N N2 का वैल्यू क्या आएगा सर F M1 plus M2 into acceleration. Yes, sir. M1 plus M2 नहीं, N2 N2 मैंने लिखा है, N1 नहीं. Sir, M2 M2. नहीं, N2 को हम लोग ये लिख सकते हैं ना, M3 into acceleration directly. इस ब्लॉक का इक्वेशन लिखो, N2 equal to M3 है. तो N2 तो directly आ जाएगा ना, M3 F upon M1 plus M2 plus M3. Sir, लेकिन M2 तो उस तरफ लग रहा है. And मैंने F M3 वाले ब्लॉक पर इक्वेशन लिखा है. M3 पे. देखो M3 पे इक्वेशन तैयार है क्या? M2 जो नेट फोर्स लग रहा है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अभी ठीक है? इसे अगर अभी n1 का होता तो सर उसमें n2 का भी ऐड होता ना हाँ अगर n1 लिखना होगा तो n1 बताओ क्या आ रहा है m2 plus m3 हाँ m2 plus M3 into A F, yes sir F upon M1 plus M2 plus M3 ये हो जाता या फिर normal अपना equation लिखते हैं तीनों block पे तीन equation तीन variable और उसको solve कर लेते हैं sir लेकिन red वाला N1 और N2 का क्या red वाला N1 और N2 तो देखो तुम इस पर M2 वाले पे equation लिखो तो क्या लिखाएगा M2 वाले पे equation M2 पे इक्वेशन क्या लिखाएगा M1 into acceleration minus 1 M3 A नहीं नहीं बस बस M2 पे N1 N2 और A के टर्म में तो देखो एक्सेलरेशन आगे हो रहा है इसका क्या मतलब है कि N1 बड़ा होगा N2 से तभी वो आगे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या N1 minus N2
इज इक्वल्स टू एम टू ए लिख सकते हैं क्या? Yes. अब देखो तुमको एन टू पता है तो यहाँ से भी तुम एन वन निकालो तो भी तुम्हारा सेम आ जाएगा, एन वन इज इक्वल्स टू एन टू प्लस एम टू ए, तो यहाँ से भी तुम निकाल सकते हो, ठीक है? तो एक्चुअली जो मैंने तरीका बताया उसमें एफ बी डी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब तुम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, बट अभी जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो एफ बी डी बनाओ फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, वो ज्यादा बेटर है. Then? Okay. तो ये हो गया. यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मेरा दो ब्लॉक है ये दोनों एक दूसरे को पुश कर रहा है, ये इसको इधर पुश कर रहा है, ये इसको इधर पुश कर रहा है, और अगर बस तुम M2 पे देखो तो दो अलग अलग फोर्स लग रहे हैं. Yes, sir. इसमें ये दोनों क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या? Yes, sir. और ये दोनों भी क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर? Yes, sir. ओके, कोई दिक्कत? No, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये दो ब्लॉक है, लेट्स से दिस इज M1, दिस इज M2. मैं यहां से F फोर्स लगा रहा हूं. फाइंड द रेशियो ऑफ M1 इज टू M2. फाइंड द रेशियो M1 अपॉन M2 सच दैट नॉर्मल फोर्स बिटवीन M1 एंड M2, नॉर्मल बिटवीन M1 एंड M2 इज F by 3. आया?
ओके श्रुति कैसे प्रोसीड करेंगे? सिद्धार्थ कैसे प्रोसीड करेंगे? सही है सर्वेश, बढ़िया। प्रोसीड कैसे होगा? पता नहीं सर। श्रुति सर पहले तो वो एक्सेलरेशन और नॉर्मल निकाला वो पिछले बार की तरह। एक्सेलरेशन आ गया होगा एफ बाय एम वन प्लस एम टू। हाँ और नॉर्मल एम टू एम टू ए। हाँ नॉर्मल जो होगा एम टू इनटू एफ बाय एम वन प्लस एम टू। ठीक है अगर तुम एम टू का एफ बी डी बनाओ तो बस नॉर्मल लग रहा होगा इस पे और ये ए से एक्सेलरेट कर रहा है तो नॉर्मल विल बी इक्वल टू एम टू ए। हाँ तो ये आ गया एम टू एफ बाय एम वन प्लस एम टू और ये क्या दिया हमें एफ बाय थ्री। खत्म एफ एफ कैंसिल थ्राइस ऑफ एम टू इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू ट्वाइस ऑफ एम टू इज इक्वल टू एम वन और एम वन बाय एम टू क्या आ गया टू। आसान सा था सर। मैंने यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया था इन तक फिर मेरे को ये नहीं समझ आया था कि a equals to f by 3 लिख के करेंगे। अच्छा वो दिया ही ना क्वेश्चन में क्वेश्चन एक बार ध्यान से। तो सबसे पहला काम हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे यार वो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। मतलब ऐसा होता है ना कि लोगों को कॉन्सेप्ट पता होता है क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं लेकिन प्रॉब्लम कभी कभी क्या होता है ना क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट कर दिया होता है कि कुछ और पूछा होता है और आंसर लोग कुछ और दे देते हैं सब कुछ सॉल्व करके। तो सबसे पहला स्टेप हमेशा क्वेश्चन सबसे पहले ध्यान से पढ़ो और मैं क्या करता था कि वो हाईलाइट कर देता था कि क्वेश्चन में क्या पूछा है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था मेरे साथ कि मैं सॉल्व कर लिया क्वेश्चन और कुछ और आंसर लिख दिया मतलब क्वेश्चन में कुछ और पूछा और मैं कुछ और टिक लगा के आ गया। तो अगर कुछ अलग पूछा है तो मैं क्वेश्चन पढ़ने के टाइम में उसको अंडरलाइन कर देता था। अभी ऑनलाइन में तो नहीं जब ऑफलाइन होगा तब तुम लोग ये सब काम कर सकते हो। सर इसमें M1 पे नॉर्मल नहीं लगाएगा। हाँ लगाएगा जब तुम M1 का FBD बनाओ तो M1 का अगर तुम FBD बनाओगे तो M1 पे एक फोर्स इधर लग रहा है एक नॉर्मल लगेगा इधर देन तो अगर तुम M1 पे इक्वेशन लिखोगे तो F माइनस N इक्वल टू M1 A लिखोगे इस पर अगर तुम एक तो तुम ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दोनों बॉक्स वाला इक्वेशन लिख के तुम एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल सकते हो या फिर तुम डायरेक्ट एक्सेलरेशन लिख सकते हो नेट फोर्स अपॉन नेट मास। ठीक है लेकिन ये तभी करेंगे जब दोनों ऑब्जेक्ट साथ साथ मूव करेंगे और तभी हम लोग उसको सिस्टम मान लेंगे नहीं तो नहीं। याद है कोई दिक्कत किसी को? सर वो नहीं समझा मुझे थोड़ा। कौन सा पार्ट? सर नॉर्मल निकालने के बाद f by 3 को इक्वेट क्यों किया? क्योंकि दो क्वेश्चन में क्या पूछा है फाइंड द रेशियो m1 is to m2 such that the normal between m1 and m2 in f by 3 तो नॉर्मल का वैल्यू तुमको दिया है f by 3 ये तो क्वेश्चन में ही दिया है ना नॉर्मल का वैल्यू है। हां दिया ना such that normal between m1 and m2 is f by 3। ओके सर समझ गया। ठीक है सर। हां वो तीन मास और स्ट्रिंग के साथ था ना। हां उसमें अगर वो फोर्स राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड से लगा रहा तो ऐसा इधर नहीं सर डायरेक्शन में ही। अच्छा ऐसा हाँ तो फिर वो नहीं लगेगा। नहीं वहाँ पे नहीं सर M1 पे राइट साइड की तरफ फोर्स। अच्छा M1 पे अगर तुम राइट से ऐसा फोर्स लगाओगे ओके कूल तो ये वैल्यू नहीं है ना।
वैलिड है, देखो देखते हैं क्या होगा, ये तुम लोग ही बताओगे क्या होगा। अगर मैं ऐसा फोर्स लगाया, ये है ये है ये है M1 M2 M3 तो ठीक है, M1 M2 M3 उल्टा लिखो, मान लो इस पे मैं ऐसे फोर्स लगाया तो क्या होगा? हाँ ये वाला स्ट्रिंग जो होगा वो फोल्ड को हम लोग इसमें स्लैक बोलते हैं, स्ट्रिंग विल स्लैक। M2 M3 रेस्ट पे रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये एक्सेलेरेट कर जाएगा विद एन एक्सेलरेशन इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? F by M3 और जैसे ही धागा स्लैक होता है ना, धागा में टेंशन जीरो हो जाता है, ठीक है। वैसा ही तुम अगर इसमें बोल दो कि ऐसा है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, तीनों टच कर रहा है एक दूसरे को और मैं इस पे फोर्स लगाया तो क्या होगा? सिर्फ ब्लॉक आएगा, सिर्फ ब्लॉक जो M3 है वो मूव करेगा, M1 M2 रेस्ट पे रह जाएगा, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा F/M3 और बाकी दोनों रेस्ट पे रहेगा, कोई दिक्कत? सर लेकिन वो कुछ टाइम के बाद M2 भी मूव करने लगेगा ना ऊपर वाले केस में। हाँ, अब जब जाके M3 जब M2 को हिट करेगा उसके बाद M2 मूव करना स्टार्ट करेगा, तो उसके बाद M3 और M2 मूव करना स्टार्ट करेगा विद एन एक्सेलरेशन F/M2+M3। नीचे वाले केस में M1 और M2 कभी नहीं हिलेंगे? नहीं, तुम अब जैसे ही तुम फोर्स लगाओगे M3 आगे आ जाएगा, M1 M2 का तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। सर और अगर ऊपर के केस में अगर हमने M2 और M1 भी मूव करने लगे तो सर बीच में तो वो स्लैक स्ट्रिंग रहेगी ना? हाँ, बीच में स्लैक स्ट्रिंग रहेगी, सिचुएशन यही बन जाएगा प्रथमेश, नीचे वाला सिचुएशन बन जाएगा ना। फिर देखो M3 आके M2 को पुश किया, M2 अब M1 को जाके हिट कर चुका है, देखो M3 M2 M1 एक सीक्वेंस में हो गया और तुम पीछे से F फोर्स लगा रहे हो तो वही सिचुएशन होगा ना पहले वाला। फिर सर बीच में स्लैक स्ट्रिंग है उसका कुछ ये नहीं होगा? नहीं, उसको हम लोग स्ट्रिंग को ना बहुत मासलेस कंसीडर किए हैं, बहुत थिन अज्यूम करेंगे। ओके सर, ठीक है। और सर अगर उसमें मास होता तो? मास होता तो फिर अपना एक उसको मास जैसा ट्रीट कर देता है कि जैसे ये है M3, यहाँ पर थोड़ा सा मास है, फिर M2, फिर यहाँ पर थोड़ा सा मास है, फिर M1। सर मतलब अगर वो स्लैक मतलब पूरा इकट्ठा ही हो गया तो हाँ। फिर मतलब उसमें मास तो सेम ही रहेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं होगा। और मास हाँ। और सर बाकी कुछ और दूसरा फर्क नहीं पड़ेगा ना? मतलब नहीं नहीं, स्प्रिंग का छोटा सा नॉर्मल वगैरह ऐसा कुछ नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं वो सब नहीं। सर लेकिन वो स्ट्रिंग एक्युमुलेट होगा तो दो ब्लॉक के बीच में थोड़ा तो गैप रहेगा ना? थोड़ा सा गैप रहेगा वही, मतलब ऐसा कुछ बन जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा गैप हो गया, यहाँ पर स्ट्रिंग है, फिर ये दूसरा ब्लॉक हो गया, ये स्ट्रिंग है और ये तीसरा ब्लॉक हो गया। लेट्स से इसका मास है M1, इसका मास है M2, ये है M3, ये M4, ये M5, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा F/M1+M2+M3+M4+M5, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका। सर पर अगर वो बीच में M2 जो है वो क्रश टाइप ही हो रहा है एक टाइप का तो फिर सर हाँ। वो नॉर्मल नहीं लगा सकता क्योंकि उसको तो मास है ना? तो नहीं, अभी अभी तो मैंने ऐसा किया ना प्रथमेश, इस पूरे को सिस्टम मान लो और तुम इस पर एफ फोर्स लगा रहे हो, देखो एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, पूरा साथ साथ मूव करेगा ना? यस सर। ओके चलो कुछ वापस से कुछ केसेस देखते हैं कि कब हम लोग बोल सकते हैं कि चीजें कांटेक्ट में है और कब बोल सकते हैं कि कांटेक्ट उसने लूज कर दिया। नॉर्मल सिचुएशन क्या होगा, कब हम लोग बोल सकते हैं कि कांटेक्ट में है? तो ऐसा एडिंग दे दो कांटेक्ट बिटवीन सरफेस।
two surface are said to be in contact, are said to be in contact if normal force between them, normal force between them is not equal to zero. अगर normal force zero नहीं है तभी हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों contact में है. For example, जैसे मान लो ये ग्राउंड है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं पुश करके आगे मूव कराया, तो क्या नॉर्मल जीरो होगा या नहीं होगा? नॉर्मल का वैल्यू जीरो होगा कहीं पे किसी भी स्टेट पे या नहीं होगा? नॉर्मल विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, और दिस इम्प्लाइज ये हमेशा कॉन्टेक्ट में रहेगा. नॉर्मल का वैल्यू mg रहेगा. तो जब हम लोग अलोंग द सरफेस मूव कराए हैं, अलोंग द सरफेस मोशन अलोंग द सरफेस, तो नॉर्मल हमेशा नॉन जीरो रहा है और ऑब्जेक्ट मूव किया है. बट अगर मान लो अचानक से मैंने ऐसा किया, ये है ऐसे सरफेस पे रखा हुआ है, अचानक से मैंने इसको एक्सलेट किया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इस केस में क्या होगा? सर सिर्फ ब्लॉक को, हाँ सिर्फ इस सरफेस को मूव किया है, ब्लॉक को मूव नहीं किया, सिर्फ सरफेस को नीचे खींच दिया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. सर तो फिर n इज इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 हो जाएगा, ब्लॉक कैसे हवा में आ जाएगा, ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? जी और ये तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका एक्सेलरेशन होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नॉर्मल का वैल्यू जीरो, राइट? और यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट. सर और स्लाइटली टच वालों को बस स्लाइटली टच ही बोलेंगे ना? हाँ जस्ट लूज कॉन्टैक्ट बोल सकते हैं. जस्ट मैं लिखवा रहा हूँ, वेट वेट. ओके सर. अब जैसे मान लो ऐसा केस है, ये नोट हो गया? यस सर, एक मिनट. सर एक सेकंड. ओके सर, जस्ट टच पे भी नॉर्मल जीरो है ना? हाँ नॉर्मल जीरो है जस्ट टच पे. हो जाएगा तो बताना. Yes, sir, done. Okay. Next. जैसे मान लो ऐसा सिचुएशन है, ये एक 10 kg का ब्लॉक है, ये सरफेस है, अगर मैं इस पर 80 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो नॉर्मल है या नहीं है? है सर. नॉर्मल इज नॉट इक्वल टू जीरो. ओके तो ये कांटेक्ट में रहेगा. नॉर्मल इज इक्वल टू 20. हां सर. तो ये कांटेक्ट में रहेगा. अगर मैं ऐसा लगाऊं, ये 10 केजी का ब्लॉक है, इस पर मैं 100 न्यूटन फोर्स लगाऊं, तब क्या होगा? सर स्लाइटली जस्ट टच. जस्ट टच. जस्ट टच. या फिर ऐसा लिख सकते हैं, जस्ट लॉस्ट द कांटेक्ट. जस्ट कांटेक्ट लूज करेगा. जस्ट लॉस्ट द कांटेक्ट. क्या मुदक्ष तेरी कैसे मतलब कांटेक्ट क्यों नहीं रहेगा सेकंड केस में? ये जो आपने नॉर्मल जीरो है ना,
तो एक दूसरे को पुश नहीं कर रहा है, ठीक है? ब्लॉक ब्लॉक सरफेस को पुश करेगा क्या? तो कॉन्टेक्ट नहीं है, ठीक है? और अगर हम लोग ऐसा लिखे, ये 10 kg है, इस पर मैं 120 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, तो क्या होगा? जीरो। नॉर्मल विल बी जीरो, नो कॉन्टेक्ट। और क्या बोल सकते हैं? इट विल गो अप, ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? यस सर। कितने एक्सेलरेशन से? 20 meter per second square. Yes, sir. तो यहाँ से इतना सारा चीज अब हम लोग से किए हैं, तो अभी हम लोग क्या पता चला इतने सारी चीज में? बात पूछू क्या? हाँ दक्ष, मेरे को थर्ड केस का नहीं समझ आया, क्या किया आपने? थर्ड केस में देखो, ऊपर थर्ड केस में FBD बनाओ ब्लॉक का, तो ऊपर की ओर 120 न्यूटन लग रहा है, नीचे की ओर कितना लग रहा है? 100 न्यूटन। देखो ऊपर की ओर फोर्स ज्यादा है, 120 ज्यादा है 100 न्यूटन से। यस सर। तो ब्लॉक क्या होगा? ऊपर मूव कर जाएगा। यस सर। ऊपर मूव किया मतलब कॉन्टेक्ट लूज कर गया। हाँ जी सर। नॉर्मल जीरो। या फिर अगर तुम नॉर्मल बनाते भी FBD में, तो क्या लिखते है? 120 प्लस एन इक्वल टू 100 लिखते है। Yes, sir. और n क्या आता है? -20, जो कि पॉसिबल नहीं है। Yes, sir. इसका मतलब क्या है? कॉन्टैक्ट लूज कर दिया, नॉर्मल नेगेटिव नहीं हो सकता है। Okay. फिर हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। हाँ। नहीं, अब मैं तो एक्सेलरेशन बस ऐसे ही बता दिया, मैं बस ये देख रहा था कि कॉन्टैक्ट पे रहेगा या नहीं रहेगा, बस yes, इतना देख रहा था, ठीक है? Yes, sir. Okay. तो अभी तक हाँ प्रथम मैंने बस बताया कि कब कांटेक्ट में रहेगा, कब कांटेक्ट में नहीं रहेगा। जब नॉर्मल जीरो होगा कांटेक्ट लूज कर देगा, ठीक है? ओके, अब ये देखो, अभी देख इतना जो अभी हम लोग डिस्कशन किए हैं, उससे हम लोग एक ये चीज बोल सकते हैं क्या, कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को अलोंग द सरफेस मूव कराए, अलोंग सरफेस मूव कराए, तो object will be there in contact नहीं छोड़ेगा। हाँ या ना? Yes sir. तो अगर हम लोग along the surface move कर रहे हैं, तो it will be in contact, but अगर हम लोग object को along the normal move कर रहे हैं, तो क्या होगा? contact छोड़ देगा या नहीं छोड़ेगा? मेरे को समझ नहीं आया क्या कह रहे हो। अगर ऑब्जेक्ट ये नॉर्मल का डायरेक्शन है ना, पहला वाला समझ में आया? यस सर। पहला वाला समझ में आया था? हाँ जी सर। ठीक है, दूसरा वाला मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं नॉर्मल की अलोंग मूव कराऊं, यस सर, अलोंग द नॉर्मल सर, तो क्या होगा? n = 0। हां, n 0 हो जाएगा जस्ट कांटेक्ट में या फिर नहीं? नहीं, मतलब मैं कुछ वेलोसिटी दे दिया मान लो ऊपर की तरफ, या कुछ एक्सेलरेशन दे दिया, तो क्या होगा? इट विल लूज कांटेक्ट। हाँ या ना सर? बस ब्लॉक yes, पे की पूरे सिस्टम पे, बस ब्लॉक पे। ओके सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं? ओके, अब अगर मान लो ऐसा किया, मैं इसको भी एक्सेलरेशन दिया ए ऊपर की तरफ, और इसको भी एक्सेलरेशन दिया ए ऊपर की तरफ, इस केस में कांटेक्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। यस सर। तो इट विल बी इन कांटेक्ट। एक मिनट, दोनों के एक्सेलरेशन सेम है क्या? हाँ, दोनों के एक्सेलरेशन सेम है। यस सर, फिर करेगा। तो इट विल बी इन कांटेक्ट, यहाँ तक नोट कर लो। सर वो केस 1 केस 2 और केस 3 ऐसे। हाँ, ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो, जैसे ही बस लिख लो 1 2 3 करके। इन दिनों से मैं कुछ कंक्लूड करने वाला हूँ, और उसका एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
डन यस वन सेकंड सर वन सेकंड ओके यस सर डन अच्छा इन तीनों केसेस से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम द अबव केसेस वी कैन कंक्लूड ओके प्रथम फ्रॉम द अबव केसेस वी कैन कंक्लूड two surfaces will be in contact if there is no relative motion along normal ऐसा हम लोग बोल सकते हैं क्या देखो तीनों केस में कि पहला तो हम लोग सरफेस के अलोंग मूव कराए थे दूसरा अगर नॉर्मल के लॉन्ग मूव कर रहा है और रिलेटिव मोशन ना हो तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दोनों कांटेक्ट में है रिलेटिव मोशन से मतलब आपका क्या मीनिंग हुआ रिलेटिव मतलब एक के रिस्पेक्ट में देखो तो दूसरा तुमको रेस्ट पे दिखे यस सर हां हम लोग बोल सकते हैं ठीक है और दिस इंप्लाइज इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट two object are in contact then along the normal they should have same velocity same acceleration और same displacement अगर मान लो velocity है किसी एक का तो दूसरे का भी same velocity होना चाहिए एक का अगर acceleration है तो दूसरे का भी उतना ही acceleration होना चाहिए और अगर किसी को मैं displace किया हूँ किसी normal direction में तो दूसरे को भी उतना ही displace करना पड़ेगा normal के direction में तभी वो दोनों contact में रहेगा ये feel आ रहा है Yes. ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट क्लास के लिए हाँ आप एक बार रिलेटिव मोशन का एक एग्जांपल दिखा सकते हो सर रिलेट पता था पर अभी याद नहीं आ रहा रिलेटिव मोशन मतलब ये आदमी 5 से जा रहा है ये आदमी 5 से जा रहा है तो आदमी ए को क्या लगेगा बी का स्पीड क्या है जीरो तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी ठीक है तो अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है जैसे मान लो ये है एक ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है अगर ये लॉन्ग द नॉर्मल ये है अगर मैं इसको 5 से एक्सेलरेट कराऊं तो अगर कांटेक्ट में रखना है तो इसको भी मुझे कितना से एक्सेलरेट करना पड़ेगा 5 से ठीक है तो अलोंग द नॉर्मल मतलब जहां कांटेक्ट हो रहा है उसके नॉर्मल के लॉन्ग एक्सेलरेशन वेलोसिटी सब कुछ सेम होना चाहिए अगर मुझे कांटेक्ट में रखना है तो डन ओके एक सिंपल सा एग्जांपल जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बिल्ड अप करेंगे सर कल फ्रिक्शन सिखाने वाले हो नहीं नहीं अभी फ्रिक्शन में काफी टाइम है अभी अपना वेज कंस्ट्रेंट डिफिकल्ट है यार आराम से वेज कंस्ट्रेंट करो पहले काफी डिफिकल्ट है ये आप से डरा क्यों रहे क्या बहुत ही डिफिकल्ट है क्या सर नहीं नहीं बहुत ज्यादा ही नहीं है मतलब ठीक है मतलब कभी कभी चला जाता है काफी डिफिकल्ट हो जाता है एक क्वेश्चन करेंगे जो काफी डिफिकल्ट होगा कल सर मतलब मे बी फ्रिक्शन में ऐसे ऐसे भी होता है क्या कुछ ऑयल होगा सरफेस पे तो नहीं 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 वो तुमको फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट पहले ही दे दिया देगा प्रथमेश ओके सर हम लोग बिल्कुल सिंपलीफाइड वर्जन पढ़ेंगे
ओके एक ये सिचुएशन देखो, ये एक वेज है, इसके बाद किसका क्लास है? फिर मैथ्स। अच्छा गौरव सर का है। ओके सर, हाँ आप मंडे वाले क्लास की नोट्स भेज सकते हो? मैं चेक करता हूँ, अगर होगा तो मैं भेज देता हूँ दोनों साथ में। ओके सर। हाँ देखो ये दोनों वॉल है, ये जो मैं क्रॉस क्रॉस किया हूँ ना रेड से, वो दोनों वॉल है। अब वो वॉल क्या कर रहा है कि ये जो ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट है उसको बस नीचे ही आने दे सकता है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा सकता है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड जा सकता है। और यहाँ पर एक वेज है, तो मान लो ये वेज जो है ये एंगल थीटा लेट्स है, तो ये इसका वेलोसिटी मान लो v1 है और इसका वेलोसिटी है v2, तो v1 और v2 में क्या रिलेशन होगा? ऐसा कुछ अगर हमें देखना है तो कैसे देख सकते हैं? जी समझ में आ रहा है ना सिचुएशन कैसा होगा? जैसे मान लो मैं इसको छोड़ दिया ग्रीन वाले को नीचे आने के लिए, तो क्या करेगा वो? वेज को पुश करेगा और वेज आगे जाएगा। ये सिचुएशन क्लियर हो रहा है? रियल लाइफ सिचुएशन। तो अगर वो v1 से नीचे आ रहा है तो ये वेज कितना सीधा जा रहा है? जो आपने ग्रीन ग्रीन बनाया है एक रॉड मान लो उसको। ओके सर। रॉड है वो हल्का सा ऐसा टिल्टेड है यहाँ पे। ओके सर। मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ आया, आप समझा सकते हो एक बार? क्वेश्चन है कि जैसे मान लो ग्रीन वाला जो है ना वो v1 स्पीड से, ग्रीन वाला एक रॉड है वो v1 स्पीड से v2 स्पीड से नीचे आ रहा है, v2 स्पीड से, यस सर, और वेज जो है वो राइट साइड v1 से जा रहा है। ओके तो बताना है v1 और v2 में रिलेशन क्या होगा? सर मैं उन दोनों का सेम होगा ना सर, सेम इक्वल होंगे ना दोनों? नहीं 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 सर, v2 is equal to v1 plus v2. नहीं 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 आज मैं इजी वाला मेथड बता रहा हूँ, कल मैं थोड़ा डिटेल्स मतलब वो भी इजी वाला मेथड ही है, इसको ज्यादा बेटर वे में देखेंगे। तो देखो पिछला वाला जो अपना एप्लीकेशन था, पिछला वाला क्या रिजल्ट आया था? अगर कांटेक्ट में रहना है तो क्या होना चाहिए? हाँ, अलोंग द नॉर्मल वेलोसिटी सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ठीक है, अलोंग द नॉर्मल वेलोसिटी सेम होना चाहिए। तो इस मेरा नॉर्मल कौन सा है? ये वाला। तो इस अलोंग वेज का स्पीड क्या है? वेज का स्पीड क्या है, रॉड का स्पीड क्या है उस डायरेक्शन में? देखो 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, नहीं ये एंगल थीटा होगा ना। तो रॉड का इस डायरेक्शन में स्पीड क्या है? रॉड का इस डायरेक्शन में स्पीड क्या है? v2 cos थीटा। v2 cos थीटा। और प्लैंक का इधर की ओर स्पीड v1 है, तो इधर की ओर स्पीड कितना है? ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। v1 cos थीटा, v1 sin थीटा ना, v1 cos 90 माइनस थीटा, दैट इज v1 sin थीटा। और हमेशा वो कांटेक्ट में रहेगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? v1 sin थीटा शुड बी इक्वल टू v2 cos थीटा। मेरे को नहीं आया समझ। ठीक है, एक बार फिर से ये देखो, मुझे क्या करना है? जब भी ये दोनों, ये ग्रीन वाला पुश कर रहा होगा ब्लू वाले वेज को, तभी वो ब्लू वाला पीछे जा रहा होगा। हाँ या ना? यस सर। तो क्या ग्रीन वाला और ब्लू वाला हमेशा कांटेक्ट में रहेगा? यस सर। तो कांटेक्ट में रहने के लिए क्या कंडीशन है?
वेक्टर सेम एक्सेलरेशन सेम वेलोसिटी ठीक है तो अभी हम लोग का वेलोसिटी वाला केस है यस सर अलोंग द नॉर्मल क्या होना चाहिए सेम वेलोसिटी होना चाहिए यस सर तो अलोंग मैंने नॉर्मल के अलोंग दोनों का वेलोसिटी फाइंड किया इसका इधर की ओर स्पीड v2 था तो नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी क्या हुआ v2 cos थीटा यस सर और प्लैंक का इधर की ओर स्पीड v1 था तो नॉर्मल के अलोंग क्या हुआ वेलोसिटी v1 यस सर v1 cos 90 minus थीटा दैट इज v1 sin थीटा यस सर और कांटेक्ट में रहने के लिए क्या होना चाहिए अलोंग द नॉर्मल स्पीड सेम होना चाहिए Yes, ये कितने लोगों को समझ में आया along the normal velocity same वाला concept hand raise करना नवीन okay प्रथमेश आर्या देखते हो प्रथम okay ठीक है हम लोग कल क्या करेंगे ना कल जो क्वेश्चन करेंगे उसको दो मेथड से करेंगे सारे क्वेश्चन को तो ये वाला मेथड अपना कॉम्पेरेटिवली ज्यादा इजी है बट अगर मल्टीपल सरफेस होता है ना तो ये मेथड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है तो हम लोग एक और मेथड सीखेंगे दो मेथड होगा जिस जो इजी लगे तुम लोग यूज कर सकते हो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट नो सर ओके ठीक है तो कल अपना डाउट सेशन है ना तो तुम लोगों का हो गया वो क्वेश्चन पेपर पेपर सॉल्व हुआ वापस से हाँ सर हो गया बहुत हार्ड है ठीक है तो हाँ सर, बहुत हार्ड है चलो मैं ट्राई करता हूँ सॉल्यूशन बनाने का नहीं सॉल्यूशन बनाने का नहीं यार कल डाउट सेशन में डिस्कस करते हैं सर वैसे तो इजी है पर सर समझ नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करना अगर एक बार स्टार्टिंग समझ में आ गई तो फिर हो जाएगा पर वो स्टार्टिंग ही समझ में नहीं आ रही है